सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि होली की बड़ी फेस्टिवल और हिंदू कम्युनिज्म की बड़ी फेस्टिवल, यू कैन से भारत की बहुत बड़ी फेस्टिवल्स रनिंग हो रही थी, ऐसे मोमेंट में मैं थोड़ा सा विलंब हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया आपके इकोनॉमिक्स के क्लासेस को लेके। बट डोंट वरी, ये एटलस वीक में दो वीडियो ज़रूर आपको इकोनॉमिक्स की मिलेगी, सो डैट आप इकोनॉमिक्स के क्लासेस को बड़ा अच्छी तरीके से समझ पाओ और इसका एक नोट्स बनाना डियर। मैं पहले दो क्लासेस में मैं आपको इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन को मैंने दिया, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स को बताया, और फिर मैं दूसरे लेक्चर में क्लास टू में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि कितने इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं, उनका किस तरह से हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। लेकिन सवाल है कि अभी तक हम लोगों ने इन बातों को नहीं समझा कि जीडीपी क्या होती है। तो चलिए आज के लेक्चर में, आज के क्लासेस में मैं समझता हूँ जीडीपी, फिर उसके बाद वाले क्लासेस में मैं समझूंगा जीएनपी क्या होता है, जीएसडीपी क्या होता है, सारी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। तो फिर से मैं कहूँगा आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी हमारे क्लास का लाभ मिल सके। डियर ये ट्रू वैल्यू क्लासेस है, ऐसी नहीं कि ये क्लास क्लास है, ये ट्रू वैल्यू क्लासेस है जो बिल्कुल ही लेटेस्ट एडिशन पे बेस्ड है। तो officer.com या यू कैन से ऑफिशियल पॉइंट को आप क्या करो, जरूर से जल्द सब्सक्राइब करने का प्रयास करो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग मेरे को जानते हैं, कई लोग जान जाओगे, लगातार विजिट करते रहना हमारे चैनल को। बट मैं अपनी इंट्रोडक्शन को दे सकता हूँ, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने करा है, बीएससी केमिस्ट्री, 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है हमारा, डिफरेंट आईएएस एकेडमी, आईबीएस प्राइवेट लिमिटेड, और मैं बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी और ईपीएफओ के लिए स्पेशली डिज़ाइन करके मैं लाया पूरी थ्योरेटिकल बेस्ड आपके इकोनॉमिक्स की क्लासेस है। डियर मैं बहुत जल्द साइंस की जो एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस है या फिर इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस है 9, 10, 11, 12, इस पर मैं काम करूँगा। डियर आइए आज स्टार्ट करता हूं मैं आपके सेशन को, और आज का विषय है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। डियर ओके, तो जीडीपी को समझेंगे, जीडीपी है क्या। ऐसे तो आप लोग काफ़ी लोग समझते होंगे कि जीडीपी क्या है, कई बार आपको देखने को मिलता है कि भारत की जीडीपी इतने बढ़ गए, इतने घट गए, यू कैन से कई बार आप लोग इस वर्ड से ज़रूर गुजरे होंगे, लेकिन इसकी जो डीप कंसर्न है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं जीडीपी की, तो इसको सबसे पहले समझते हैं कि इसको एलाबरेट्स कैसे करेंगे। इसका मतलब है ग्रॉस, और इसका मतलब क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब ये ग्रॉस मतलब क्या हो गया डियर, तो कुल, एकदम आराम से समझना, मन को शांत करो, चित्त को शांत करके समझना कुल, और ये क्या हुआ, घरेलू। ओके तो घरेलू मतलब घर के अंदर जितने भी उत्पादन हो रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। लेकिन उत्पादन की मॉनिटरिंग वैल्यू को कहेंगे, क्योंकि हम जो जीडीपी देते हैं वो पैसे के रूप में देते हैं, मॉनिटरिंग वैल्यू के रूप में देते हैं। सो मीनिंग ऑफ जीडीपी इज द मेजर ऑफ द वैल्यू। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो जीडीपी की जो वैल्यू है वो मेजरमेंट करता है किसका, वैल्यू ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं उनकी जो वैल्यूज है उस वैल्यू को हम किस रूप में मेजर करते हैं, तो जीडीपी के रूप में मेजर करते हैं। इन सिमिलर वर्ड्स हम एक साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जीडीपी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द फाइनल प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पार्टिकुलर समय में, एक निश्चित समय में, जिस निश्चित समय को क्या मानोगे, तो फाइनेंशियल ईयर मानोगे। क्या मानोगे, इसको आप एक फाइनेंशियल ईयर मानोगे। तो एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी आपकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उनकी जो वैल्यू है, वैल्यू का मतलब क्या होता है, उसका जो मूल्यांकन है, उस कुल मूल्यांकन को आप अगर जोड़ दोगे ना, तो यही आपका क्या कहलाएगा, सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा या कुल घरेलू उत्पाद कहलाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। ये बात आपके माइंड में पूरी तरह से शामिल हो जानी चाहिए कि भारतीय सीमा के अंदर जो इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन जो भारतीय भौगोलिक सीमा है, इस सीमा के अंदर आप जो भी उत्पादन करते हो तो या तो गुड्स करते हो या तो सर्विस करते हो। देखो इसका मतलब क्या होता है, कुल माल का उत्पादन और ये सेवाएं।
तो सेवाएं मतलब जैसे आप बैंकिंग सेवा देते हो, मैंने आपको सेक्टर में बताया था सेवा क्या है, ये टर्सरी सेक्टर का काम है। ये सारी चीज़ों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। अगर किसी प्रकार के मन में क्वेश्चंस हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालना डियर, और बड़ा आराम से समझना, ये बड़ा पेचीदा होता चला जाता है आगे। ओके, अब मैं बात करूँ कि जीडीपी का मतलब क्या है, तो सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का अर्थ देश के भीतर आर्थिक गतिविधि के मूल्य का माप है। जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, आर्थिक गतिविधि करते हैं, उसका जो मूल्य है उसी का क्या है, मेजरमेंट है कौन, जीडीपी। अगर मैं सरल शब्दों में बात करूं तो जीडीपी को एक निश्चित अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम कीमतों के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। अंतिम कीमत का मतलब ये किस दाम में बिका, इसका बाजार मूल्य क्या है, इस इन सबों को अगर जोड़ दोगे तो ये सारा का सारा जीडीपी हो जाएगा। मान लो जैसे आपने गुड्स का उत्पादन 10 टन किया और आपने 100 डेज का सेवा दे दिया, मान लो सपोज 365 दिन की सेवा दोगे तो ये 365 दिन की सेवा का जो मूल्य होगा और ये 100 टन या 10 टन का जो मूल्य होगा, ये तीनों को सबों को जोड़ दोगे क्या, इसकी जो मूल्यांकन है, मौद्रिक वैल्यू है, इसको जोड़ दोगे तो आपका क्या निकलेगा, जीडीपी निकल आएगा। बराबर है? तो किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो ज़रूर पूछना डियर। मैं कहूँगा हमारा चैनल ऑफिसर पॉइंट को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इतना तो फर्ज बनता है कि मैंने आपके लिए कुछ किया है तो आप मेरे लिए भी कुछ करो। ऑफिसर पॉइंट, ओके, ये एक सिंगल ई होगा, ऑफिसर पॉइंट ऑफिशियल एट द रेट ऑफ जीमेल डॉट कॉम पर आप मेल कर सकते हो या फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7004043326 पर, सो डैट कि मैं आपको जीडीपी या फिर मैं आपको इकोनॉमी से रिलेटेड किसी भी समस्या का समाधान दे पाऊँ। आइए अगर मैं बात करता हूँ डिफिनेशन की, तो जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली इन ए ईयर। और इसी ईयर को क्या कहते हैं डियर, तो फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में, ओके, एक फाइनेंशियल ईयर में, FIN फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेंगे उनकी जो वैल्यू होगी उसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी अगर बात करोगे तो क्यों इंपॉर्टेंट है, जीडीपी ग्रोथ रेट इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर, यह एक इंडिकेटर होता है ऑफ द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। मैं आखिर में जीडीपी क्यों निकालूं, आपके मन में सवाल आएगा सर होता है तो होने दो ना, मैं इसका क्यों वैल्यू निकालूं, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपने इकोनॉमिक्स को ग्रोथ के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हो, विश्व में प्रोजेक्ट कर रहे हो कि भाई आपकी भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, भारत की इकोनॉमी डिग्रो कर रही है, इन सबों के लिए ग्रोथ रेट निकालने के लिए ज़रूरी है किसका, जीडीपी का निकालना, इसलिए जीडीपी निकाला जाता है। परिभाषा की बात करोगे तो जीडीपी किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि के दौरान समानता एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है। जीडीपी विकास दर किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। आइए अगर मैं इसको डिस्क्रिप्शन करूं कि जीडीपी को आप कैलकुलेट कैसे करोगे, तो तीन मेथड है, देयर आर थ्री मेथड्स जिससे हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। इस पहले मेथड को कहा जाता है आउटपुट मेथड, दूसरे मेथड को कहा जाता है एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरे मेथड को कहा जाता है इनकम मेथड। तो तीन तरीके से मैं जीडीपी को निकाल सकता हूँ, आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। आप लोग नोटबुक निकाल चुके होंगे, नोटबुक निकाल लेना और क्लासेस को बड़ा ही तरीके से उसको लिखने का प्रयास करना डियर। अगर मैं बात करता हूँ कि आउटपुट मेथड क्या है, इस आउटपुट मेथड से मैं जीडीपी कैसे निकालूंगा, मेरा मकसद है, हमारा मकसद है टू कैलकुलेट द जीडीपी। और इस जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए एक बड़ा सुंदर सा मेथड है जिसका नाम क्या है, आउटपुट मेथड। दिस मेजर्स द मॉनेटरी और द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बॉर्डर ऑफ कंट्री। मतलब आप आउटपुट मेथड क्या कहलाता है कि जिसकी भी मार्केट वैल्यूज है, मान लो आपने एक पोटैटो का उत्पादन करा, मान लो आपने एक गन्ने का उत्पादन करा, मान लो आपने चने का उत्पादन करा या वट एवर दिस, इन सबों की जो मार्केट वैल्यूज है आपके इंडिया के अंदर, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट मेथड कहते हैं। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिस्टॉर्टेड मेजर ऑफ जीडीपी ड्यू टू द प्राइस लेवल चेंज,
हम देखते हैं कि हर एक जगह पे हर एक वस्तुओं का सामान क्या होता है अलग अलग रेट्स मिलता है। तो इसको चेंज करने के लिए या जीडीपी की डुप्लीकेसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी को एट कॉन्स्टेंट प्राइस और रियल जीडीपी के रूप में मापते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जीडीपी दो तरह का होता है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, वन इज दैट नॉमिनल जीडीपी, और दूसरा क्या होता है डियर, तो रियल जीडीपी होता है। ओके, तो नॉमिनल जीडीपी क्या है, मान लो आपने इस मुंबई शहर में पोटैटो को परचेज किया तो 20 रुपीज़ पर केजी मिलता है, और ये दिल्ली शहर में आ जाओ तो 30 रुपीज़ मिलता है, या पंजाब में चले जाओ तो 40 रुपीज़ मिलता है। इस तरह का जो प्राइस वेरिएशंस हो रहा है ना, इस तो यहाँ पे इसको जब निकालेंगे जीडीपी तो क्या कहेंगे, या एक मार्केट प्राइस पे वैल्यू निकल रहा है। लेकिन हम बचने के लिए कि मान लो यहाँ 20 रुपये है तो यहाँ 30 रुपये है, तो हम कैसे एवरेज निकालें, वेरिएशन सारा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट प्राइस मान लेता हूँ, मान लेता हूँ कि ऑन एन एवरेज कांस्टेंट प्राइस कितना है, 10 रुपीज़ है। अब मुंबई में मान लो 50 मैट्रिक टन, ये 60 मैट्रिक टन, 80 मैट्रिक टन पोटैटो मिला, सबों को जोड़ दो और 10 से गुना कर दो, इस पोटैटो का मॉनिटरिंग वैल्यू मिल जाएगा, तो जीडीपी में हम काउंट कर सकते हैं। तो डुप्लीकेसी से बचने के लिए या इसके प्राइसेस के वेरिएशन से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो जीडीपी को एक कांस्टेंट प्राइस और रियल जीडीपी के रूप में कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो आइए, अगर जीडीपी को मुझे निकालना है आउटपुट मेथड से, तो हम क्या करेंगे, रियल जीडीपी लेंगे, ना कि हम नॉमिनल जीडीपी लेंगे, एट कांस्टेंट प्राइस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। आप देखो, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ डियर, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ओके, सॉरी फॉर डिले, मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ, इरेजर्स को ले रहा हूँ। राइट, अब मैं बात करता हूँ, इतनी बातों को आप समझ गए होंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको और एक बात समझा दूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आउटपुट मेथड से क्या लेते हैं, तो जितने आपके भारत सरकार के बाउंड्री के अंदर या इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यूज़ है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बेसिकली जीडीपी कह देंगे। लेकिन कई जगह प्राइसेस चेंज होती है, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जीडीपी को रियल फॉर्म में लेते हैं। तो अब जब मैं निकाल रहा हूँ ना जीडीपी, वो किस पे निकाल रहा हूँ, आउटपुट मेथड पे निकाल रहा हूँ, तो हम क्या लेंगे, रियल आर फॉर रियल जीडीपी। तो ये रियल जीडीपी क्या होगा, कॉन्स्टेंट प्राइस होगा, माइनस आपने जो गवर्नमेंट को टैक्सेस दे दिया, प्लस जो आपने सब्सिडीज दे दिया। ओके, इन सबों को क्या करते हैं, इसको माइनस कर दोगे तो आपका आउटपुट मेथड निकल जाएगा। मान लो आपने रियल जीडीपी में आपने 1000 रुपया, 1000 लाख रुपया, 1000 करोड़ कर दो, 1000 करोड़ रुपया आपने क्या किया, कमाया, सरकार को टैक्स आपने 500 करोड़ दे दिया, और प्लस आपने क्या किया, सब्सिडी 200 करोड़ रुपया दे दिया, तो टोटल कितने हो गए, 700 करोड़ रुपया। तो आपका रियल जीडीपी कितना निकल जाएगा, या आउटपुट मेथड से कितना निकलेगा, 300 करोड़ रुपया। ये आपके जीडीपी में शामिल होगा, क्योंकि ये शामिल नहीं है, ये तो सरकार को आपने टैक्स दे दिया, आपने इसको सब्सिडीज दे दिया, वो सरकार की इनकम हो सकती है, आपकी जीडीपी नहीं हो सकती है। सो आउटपुट मेथड में आप देखोगे कि हम रियल जीडीपी माइनस टैक्सेस और प्लस सब्सिडीज के द्वारा आउटपुट मेथड से हम जीडीपी निकालते हैं। आउटपुट मेथड यह देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक या बाजार मूल्य को मापता है। राइट, आइए दूसरे मेथड की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। मैं बहुत जल्द ना लाइव क्लासेस में आऊँगा, ताकि आपसे मैं रूबरू हो सकूँ और आपके क्यूरीज को ऑन द स्पॉट सॉर्ट आउट कर सकूँ। ओके, चलिए, तो एक्सपेंडिचर मेथड की मैं बात करता हूँ। ये दूसरा मेथड है, आप सभी समझ रहे होंगे डियर, जिनको नहीं समझ में आ रहे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, हमारा चैनल ऑफिसर पॉइंट को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो। ओके, इस एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या देखते हैं, दिस मेजर्स द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल द एंटिटीज ऑन द गुड्स एंड सर्विस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ द कंट्री। ओके, तो जितने भी हम लोग उस पर खर्च करते हैं, जो खर्च कर देते हैं किसी चीज़ों को खरीदने के लिए, वही तो हमारा जीडीपी है। किसी सेवा को, मान लो हम एक आलू को खरीदने के लिए 20 रुपया लगा दिया, और एक यू नो बैंकिंग सर्विस लेने के लिए 10 रुपीज़ खर्च कर दिया, तो टोटल 30 रुपीज़ खर्च किया। ये जो 30 रुपीज़ है, यही तो हमारे इनकम में शामिल हो जाएगा, देश की इनकम में। ओके, तो उस एक्सपेंडिचर मेथड से भी हम जीडीपी को निकालते हैं, जिसका फार्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस आई एम। इसको बड़ा अच्छे समझना चाहिए, जहाँ पे सी क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, किसी को आप कंजम्पशन करोगे, किसी चीज़ को खाना है, किसी को लेना है, तो आपको कुछ कंज्यूम करना पड़ता है। मान लो ये पोटैटो आपने लिया, आपको इसको कंज्यूम करना है, तो 20 रुपये आपने दे दिया।
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आई क्या है, इन्वेस्टमेंट, आपने इस पे इन्वेस्ट किया। देखो एक तो हुआ कि आलू को आपने 10 रुपया में खरीदा और आलू को आपने घर तक लाने में आपने कितना कर लगा दिया, 20 रुपीज लगा दिया, तो टोटल आप देख रहे हो 30 रुपीज आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये 30 रुपीज बाजार में जाएंगे ना, तो इसीलिए वहाँ का क्या हो जाएगा, वो GDP हो जाएगा। ओके, सेकेंड क्या है जी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो सरकार भी जैसे बाजार की मंडियों पर ये सब सारी खर्च करती है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, कुछ वस्तुओं को सरकार बाहर से भी मंगाती है और कुछ वस्तुओं को यहाँ से बाहर भी भेजती है, तो उस तरह से जो एक्सपोर्ट होता है उसको माइनस कर दो किससे, इम्पोर्ट से, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड मिल जाएगा। मीन्स एक्सपेंडिचर मेथड में हम कहते हैं कुल खर्च, सीधी सी बात है, कुल खर्च कितना होता है, बाजार में आप कितना खर्च करते हो, या आप खर्च करो या गवर्नमेंट खर्च करे, व्हाटएवर, उस सारे खर्च को जोड़ दो तो वही तो आपका GDP है। क्योंकि खर्च किस पे करोगे, किसी चीज़ को कंजम्पशन करने के लिए, खर्च किस पे करोगे, किसी चीज़ को इन्वेस्टमेंट करने के लिए और एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए। सपोज करो आपने पोटैटो बनाया और बाहर से आपको क्या है, कुछ पोटैटो से बने कुछ मसाले को बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं, तो ये आपने इस पे खर्च किया 30 रुपया और बाहर से आपको मंगाने पड़ेंगे मसाले, तो उस पे आपने क्या किया, -20 रुपया दे दिया, तो टोटल आपका 10 ही तो बचा। सो दैट इस प्रोसेस से हम निकाल पाएंगे एक्सपेंडिचर मेथड। क्या किसी देश की घरेलू सीमाओं के भीतर वस्तु और सेवाओं पर सभी संस्थाओं द्वारा किए गए कुल व्यय को मापता है, मतलब कितना खर्च हो रहा है इस पर आप मान के चलिए जो खर्च होगा वही आपका GDP होगा। इनकम मेथड की बात करते हैं, इट मेजर्स द टोटल इनकम अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट लेबर कैपिटल विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ कंट्री। ओके, अब देखो क्या है कि जब भी हम GDP निकालेंगे ना, तो वस्तु और सेवाओं को निकालेंगे, तो जो वस्तु और सेवा है उस वस्तु और सेवा को प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन Y को हम लोग करेंगे, तो क्या आता है, लैंड, लेबर और कैपिटल, ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस पे जो आप लैंड लेबर, तो ये लेबर के द्वारा जो पैसा कमाया गया किसको, किसी वस्तु को उत्पादन करने में, इस कैपिटल से जो इंटरेस्ट कमाया गया किसी वस्तु को उत्पादन करने में, ये जो लैंड है उसका जो रेंट मिला किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए, इन सबों को आप जोड़ दोगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकम मेथड कहेंगे। ओके, अब बताते हैं GDP एज पर द इनकम मेथड में आप क्या करेंगे, GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ को उत्पादन करने में कितना आप पैसा लगाते हो, तो मान लो आपने 20 रुपया लगाया, ये फैक्टर ऑफ कॉस्ट पड़ा, प्लस आपका टैक्सेस सरकार को दे दिया और आपने सब्सिडी दे दिया 10 रुपये, तो आप 30 रुपया लगा था, 10 रुपया सब्सिडी दे दिया, तो गवर्नमेंट की इनकम कितनी हुई, तो 20 रुपीज़ हुआ। तो ये 20 रुपीज़ ही क्या हुआ, इनकम हुआ। तो इस इनकम को हम लोग इसमें कैलकुलेट कर देंगे GDP में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यह किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादन के कारकों यानी श्रम और पूंजी द्वारा अर्जित कुल आय को बताता है या मापता है, सकल घरेलू उत्पादन कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पादन प्लस दर माइनस सब्सिडी के बराबर होता है। आपने देखा कि मैं GDP को अगर मैं बात करूं तो GDP को फाइनली कह सकते हैं ये गुड्स एंड सर्विस जो हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शंस हो रहे हैं, इस प्रोडक्शन की जो मॉनिटरिंग वैल्यूज है यही क्या है एक साल में या वन फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, GDP कहते हैं। अब इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो तीन प्रोसेस अपनाया, एक प्रोसेस था आपका क्या है, इनकम मेथड, इससे पहले हमने पढ़ा था आउटपुट मेथड और लास्ट पढ़ रहा हूं एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीन मेथड से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। सॉरी, अगर मैं बात करूं कि इन इंडिया कि जो भारत की कुल उत्पादन, भारत की कुल उत्पादन की जो फाइनल वैल्यू, उसकी जो मार्केट वैल्यूज है वो किन किन सेक्टरों से आता है, तो आपको मैंने पिछले क्लासेस में हमारे क्लास लेक्चर में हमने दिया था कि एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज और सर्विसेज और साथ में इंडस्ट्री एंड द सर्विस, ये तीन मेजर सेक्टर हैं जो भारत की GDP में कंट्रीब्यूट्स करते हैं या जिनकी मदद से भारत की GDP ग्रो करती है। ये तीन ही सेक्टर हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या एलाइड एक्टिविटीज़ हो। एलाइड एक्टिविटी मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं, चाहे ट्रैक्टर से आप हल चलाते हो,
काऊ रखते हो, काऊ की डंग्स का प्रयोग करते हो, ऑल आर कंट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ द एलाइड एक्टिविटी। दूसरा क्या, इंडस्ट्री जिधर आप देख रहे हो प्रोडक्शन कर रहे हो। और तीसरा क्या है, सर्विस, जैसे बैंकिंग की सेवा, टीचर इंजीनियरिंग की सेवा, R&D की सेवा, ये सारी सेवाओं को अगर जोड़ देते हो तो वही क्या निकलता है, आपका GDP निकलता है। ओके, इन इंडिया GDP इज मेजर्ड एज अ मार्केट प्राइस। अगर मैं बात करूँ तो भारत में GDP किस पे बेस्ड है, मार्केट प्राइस पे बेस्ड है। तो आप जब GDP में चेंजिंग देना चाहोगे, सपोज करो कि आप चाहते हो कि GDP में कितनी ग्रोथ हुई, हाउ कैन यू डिटरमाइन, मन में सवाल उठता होगा। तो आपको एक बेस ईयर तय करना होगा। ये जो बेस ईयर है, अभी जो रिसेंटली बेस ईयर है वो 2011 और 12 है। तो मान लो 2011-12 में मान लो 2.5 ट्रिलियन अगर भारत की GDP रही होगी और अभी 3.8 ट्रिलियन अगर हो गई होगी, तो दोनों का डिफरेंस निकाल के इससे डिवाइड कर दो तो क्या निकलेगा, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ निकल जाएगा ना। तो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ के लिए एक बेस चाहिए। तो बेस क्या है आपका, 11 और 12 है। क्लियर है? तो GDP एट मार्केट प्राइस अगर मुझे निकालना है तो क्या है, GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस सब्सिडीज। तो फैक्टर कॉस्ट मतलब उत्पादन में लगी हुई लागत, प्लस जो उस पर टैक्सेस दी जाती है उसको भी जोड़ दो, और सब्सिडी को घटा दो, जो बच गया वही आपका क्या है, कुल इनकम है, नेशनल इनकम है, और वह GDP है। राइट? फॉर ऑल इंडिया या इंडियन कैलेंडर ईयर अगर बात करते हैं, कि जो आपने कहा कि एक फिक्स टाइम में, तो फिक्स टाइम कौन होता है, वो फाइनेंशियल ईयर होता है, डैट इज 1 अप्रैल to 31 मार्च। तो जब भी कभी मैं आपको GDP बताऊं निकाल के, आप ये मान के चलना कि ये जो GDP निकाला जाता है वो फाइनेंशियल ईयर से निकाला जाता है। इस दौरान जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उनकी जो फाइनल गुड्स है, उनकी जो बाजार में मूल्य है, उसी मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, GDP कहते हैं। GDP कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, आप क्यों चाहते हैं राष्ट्रीय आय को निकालना, क्योंकि यह आपके भारतीय, यह भारतीय क्या, वो किसी भी विश्व के किसी भी देश का क्या है, इंडिकेटर माना जाता है। इसकी जो सबसे पहली कॉन्सेप्ट आई हो डिप्रेशन के बाद, जो आप देख रहे हो कि कई 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन मूव कर रहा था, उसके बाद लोगों को लगा कि क्यों ना हम हर एक देश का GDP कैलकुलेट किया जाए, या हर एक देश में GDP आए, ताकि हम किस देश में किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम है, फिर हम क्या करें, आपस में व्यापार को बढ़ाएं, जिसके कारण सभी को संतुलन में आ जाए। तो सर्वप्रथम अगर बात करोगे तो साइमन कुजनेट्स अगर बात करोगे, यह इकोनॉमिस्ट थे जो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च NBER, ये कहाँ पे है, तो US के अंदर है। तो इन्होंने सबसे पहले GDP की इम्पोर्टेंस को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया, एक रिपोर्ट के आधार पर ये प्रेजेंट किया, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, ऐसे समय में GDP की ज़रूरत हुई। ओके, अब यूजेस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ GDP, हम GDP के कॉन्सेप्ट को कहाँ यूज़ करते हैं। पहला, ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी। दूसरा, यह क्या है, एक क्वांटिटिव कॉन्सेप्ट है, इसकी वॉल्यूम और इसकी साइज जो है वो इंडिकेट करता है क्या, इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी। और इंटरनल स्ट्रेंथ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही किसको अट्रैक्ट करता है, तो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक डेटा ज़रूर रिलीज करनी चाहिए ताकि ग्लोबली इन्वेस्टर इस पर अट्रैक्ट हो सके और मनी को इन्फ्यूज कर सके। तो GDP यूज टू डिसाइड द रैंक एंड रैंक बाय द IMF एट परचेजिंग पावर पैरिटीज। तो GDP की जो साइजेस होगी वह इंडिकेट कर देता है परचेजिंग पावर पैरिटी, कि आपके पास किसी चीज़ को क्रय करने की कितनी शक्ति है और इसकी कितनी प्रेफरेंस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, GDP कह देते हैं। क्लियर है? आइए, इंडिया हैज रिसेंटली ओवरटेकन द UK। इंडिया जो है अभी यूनाइटेड किंगडम को क्या है, एक्सीड कर दिया है एंड टू बिकम द 5th largest economy। अभी रिसेंटली बात करोगे तो विश्व की 5वीं जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन के आपके सामने आ गई है। एंड व्हाट इज द नॉमिनल GDP, और ये भारत की जो नॉमिनल GDP है, मतलब नॉमिनल GDP मतलब मार्केट प्राइस पे जो GDP है वह कितना है, 3.8 ट्रिलियन की ये GDP हो गई है भारत की। तो अगर ये GDP नहीं निकलता तो इसकी मॉनिटरिंग वैल्यू आपके सामने नहीं आ पाती। अगर मैं बात करूं कि GDP को फोरकास्ट कौन करता है, GDP को रिलीज कौन करता है, तो MS मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो MOSPI,
ये है आपका MOSPI MOSPI, सो मिनिस्टर ऑफ एस्थेटिकल्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये मिनिस्ट्री है। इसके तहत NSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये रिलीज करता है आपका GDP। फाइन, तो आप मेरे ख्याल से GDP को समझ गए होगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ गई होगी। अगले क्लासेस में हम देखेंगे GNP क्या है या NDP क्या है और GSP क्या है। इस तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक्स हम बढ़ेंगे, फिर हम लोग सोशल सिक्योरिटी स्कीम पे आएंगे डियर, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, काफ़ी बेनिफिटेड होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऑफिसर पॉइंट, ओके, सो दैट यू कैनॉट मिस द एनी लेशन लाइक कमिंग सून लेशन ऑफ इकोनॉमिक्स 9, 10 एंड 11, 12। सो अगर आप देना चाहते हो BPSC, JPSC और JSSC, यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑफिसर पॉइंट, ओके, इकोनॉमिक्स क्लासेस फॉर ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशन 2023। मैं इसके कई MCQs फॉर्म को भी आपके सामने लेके आऊँगा डियर, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस में। और इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट ये बढ़ता हुआ ट्रेंड है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ज़रूर से इसका अध्ययन करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। ये हमारे आज तीसरा क्लासेस है इकोनॉमिक्स का। फर्स्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन को, दूसरे क्लासेस में सेक्टर एंड कंट्रीब्यूशन बताया, और तीसरे क्लासेस में मैं आपको GDP बता रहा हूँ। हो सकता है अगले क्लासेस में GDP का मैं कई देशों के साथ आपका तुलना भी करके बता पाऊँ। ओके, थैंक यू, वी विल मीट वेरी श्योर विद अनदर डायनामिक लेसन ऑफ ओके इकोनॉमिक्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ओके करके रखना, सो दैट यू कैन गिव द नोटिफिकेशन फॉर आवर कमिंग वीडियोज। थैंक यू।